प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बदायूं सदर से विधायक भी हैं। मंत्री जी से हम तमाम सवाल पूछेंगे। इससे पहले कि हम बता दें कि मंत्री जी ने अपना राजनीतिक जीवन एक मंडल अध्यक्ष से शुरू किया था, जैसा कि उन्होंने मंच से बताया है। तमाम उन्होंने बातें बताई, उन्होंने ऊर्जा बाद अपना संबोधन किया, जो संबोधन सुनकर कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा जागी। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश इस बार 2022 का चुनाव काफ़ी कठिन लगता है, तमाम छोटे दलों को साधना आपका जो पहला कार्य होगा, किस तरीके से आप तमाम छोटे दलों को साधेंगे? उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से कार्य हुआ, गरीबों के लिए जो अनाज वितरण निःशुल्क वितरण है और एक महीने में दोनों, और मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश जो बच्चा प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो भी आज स्वाभान की तरह है। पहले क्या होता था, प्रदेश का प्राइमरी का जो बच्चा था, पड़ोस का बच्चा जब जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल में जाता था, और हमारे प्राइमरी स्कूल का जब बच्चा जाता था तो स्कूल में पहुँचता था तो फटे हुए फर्श होते थे, उस स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं होती थी और वो अपने लिए हीन भावना महसूस करता था। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, आज बच्चा जब स्कूल पर जाता है तो फटे हुए फर्श ना आज उस पर स्कूल में कुर्सी मिलती है, कुर्सी पर बैठ कर स्वामान जगता है, और स्कूल में जब पहुँचता है उसकी बाउंड्री वाल बनी होती है, और उस बाउंड्री वाल पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव जो देश के क्रांतिकारी उनके चित्र होते हैं, तो उसके अंदर देश के प्रति जागृति का भाव होता है। तो हमारे बच्चों के भी मन में भाव, हमारे गरीबों के भी मन में भाव, आज मातृशक्ति के मन में भी भाव, कहने का भाव यह है कि हर तरफ जो हमारे मुख्यमंत्री जिस पर ईमानदारी और सच्चाई है, कोरोना काल जैसे उसमें स्वयं संक्रमित होते हुए भी, स्वयं संक्रमित होते हुए कितनी उन्होंने मेहनत की, आज विश्व के अंदर क्या देश के अंदर अगर तारीफ होती है तो हमारे योगी आदित्यनाथ की, वो योगी जी की तारीफ होती है जो कोरोना लगभग समापन की हो गया। तो मैं कह सकता हूँ आज हर एक के मुख से ये आवाज़ निकलती है, दोबारा सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी पड़ेगी। और आज हमारा जो बूथ अभियान है, आपका दूसरा ही उत्तर देती हूँ, बूथ अभियान है, हमारे एक एक बूथ अध्यक्ष में इतनी ऊर्जा है, और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे पार्टी का इतना काम है, सरकार ने इतना काम किया है कि हमारे बूथ अध्यक्ष से भी तो दूसरी पार्टी के बड़ा से बड़ा नेता भी जिला नहीं कर सकता, जिले में वो हर जगह क्योंकि हमारे पार्टी पर काम होता है, मसाला होता है। मिलिट्री किसान कुछ नाराज दिखाई देते हैं, राज्य मंत्री रौनक की क्या कुछ है देखिए किसान है, कौन है किसान? जो प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री अपने शपथ लेने जाते हैं और उस समय वो कहते हैं किसान मेरे देश की आन है, किसान मेरे देश की शान है, और किसान मेरे देश का भगवान है, किसान हमारा भगवान है, जो किसान को अपना भगवान मानते हैं वो उसके ज़माने में किसान दुखी रह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ जो आज किसानों की बात लेके चल रहे हैं है? वो कहीं ना कहीं उनका दूसरा भाव है, वो किसानों की हमदर्दी कह सकते हैं। आज मैं कह सकता हूँ प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेमेंट अगर गन्ना का हुआ तो किसानों का हुआ, गेहूँ की खरीद हुई है, धान की खरीद हुई है, सभी भी आज इतने कृषि विज्ञान के अंदर खुल गए। किसानों के बारे में देखा जाए तो इतनी सरकार ने चिंता की है, आज हमारा किसान साथ। ठीक।